प्रदेश के जनजातीय जिले किन्नौर में बीते 3 दिनों से बारिश व बर्फबारी का क्रम जारी है। बर्फबारी के चलते जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त है। उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण जिले के कई अंदरूनी सड़क मार्ग अवरुद्ध हैं और 3 खंडों में 100 से अधिक ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली की आपूर्ति भी बाधित हुई है। ऐसी स्थिति को देखते हुए कल से जिले में शुरू होने वाला प्लस पोलियो अभियान स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जानी थी। इसके अलावा आज बर्फबारी के चलते जिले के शिक्षण संस्थानों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। पिछले कल में देखा है कि काफी हैवी स्नोफॉल हुए, कल दिन में शुरुआत हो गई थी और ऑलमोस्ट कई एरिया में रात भर तक बर्फबारी हुई है। तो हमारे यहाँ के काफी सारे रोड्स जो कि प्रेजेंटली ब्लॉक्ड हैं, बट मौसम खराब होने की वजह से बहुत रेगुलरली क्लियरेंस हो नहीं पा रही। 3, 4, 5 को ये शेड्यूल था और इसमें पोलियो की दवाइयाँ पिलाई जानी थी, बट क्योंकि रोड ब्लॉक्ड हैं, काफ़ी जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो इसलिए इट वुड बी अप्रोप्रिएट कि उसको पोस्टपोन किया जाए।